बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मनु सलवा इजी एंड हेल्दी कुकिंग में आपको एक बार फिर वेलकम कहते हैं दिली दुआओं के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी हों, हैप्पी हों, हेल्दी हों, सेफ हों, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लौकी और चने की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं आपके साथ अपनी ईजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लौकी बहुत बेनिफिशियल होती है, सबसे बढ़कर ये कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की पसंदीदा थी, इस लिहाज से इसको खाना सुन्नत है। और जो चीज़ हमारे नबी को पसंद है वो बेनिफिशियल तो होनी ही है। फिर लौकी को हम अलग भुजिया भी बनाते हैं इसकी, और ये गोश्त के साथ भी बनाई जाती है। और गोश्त के अलावा इसका कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा चने की दाल के साथ होता है। इसमें आयरन की भी काफ़ी मकदार पाई जाती है, सीजन की सब्ज़ी, इसलिए आजकल मार्केट में लौकी बहुत अच्छी आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वो चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमारे पास हाफ के जी लौकी है जिसे हमने अच्छी तरह धोकर छील कर कटिंग कर ली है। इस तरह के पीसेस काटे हमने, आप चाहें तो डिफरेंट तरीके से भी काट सकते हैं। चने की दाल हमने 250 ग्राम ली है, यानी एक पाव। हमने चूल्हे पे रख दिए, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और कढ़ाई में हम हाफ प्याली ऑयल ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल के गर्म होने पर इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, वाइट ज़ीरा, ये एक टी। इसके साथ ही इसमें चंद दाने काली मिर्च के डाल देंगे, साबुत काली मिर्च। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अभी आप ट्राई करके देखिएगा। बट अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के डालने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल हो जाएगा, एक टेबल स्पून भर कर ले आते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि मसाला पक भी जाए और जल भी ना। हल्दी शामिल करेंगे, ये हाफ टी स्पून। धनिया पाउडर शामिल होगा, ये हाफ टेबल स्पून है। थोड़ी भुनाई करेंगे, हसबे जायका लाल मिर्च शामिल कर देंगे, हसबे जायका नमक शामिल हो जाएगा। दो बड़े साइज के टमाटर हमने कटिंग करके रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करके कवर करके पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। चने की दाल को यहाँ पे हमने एक घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद हमने इसे बॉईल किया है नमक और हल्दी डालकर। पानी इसमें हमने सिर्फ इतना इस्तेमाल किया है कि अच्छे से पक गई है और इसका पानी भी इसमें खुश्क हो गया है। इसे हम चेक कर लेते हैं, टमाटर हमारे मैश हो गए और मसाला भी बहुत अच्छी तरह भुन गया है। अब कटी की हुई लौकी शामिल कर देंगे, एक बार फिर इसकी भुनाई करेंगे। इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि लौकी अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो जाए। लौकी अच्छी तरह से भून ली, मिक्स हो गई मसाले में। पानी ऐड करेंगे, ये हमने हाफ प्याली पानी लिया, कवर करके इसे पकाएंगे। इसे इतना पकाएंगे कि लौकी अच्छी तरह गल जाए। ये इसका फ्लेम मीडियम रहेगा क्योंकि पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और ये हाफ से ज़्यादा डन हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इसमें बॉईल की हुई दाल ऐड कर देंगे और बहुत अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। हम इसे इतनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि दाल और सब्ज़ी मसाला सब एक हो जाए। इसमें कुछ कट लगी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और साथ ही कटिंग की हुई हरी मिर्च भी इसमें शामिल हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे।
तकरीबन 5 मिनट तक कवर करके इसे दम पे रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। रेसिपी हमारी रेडी हो गई है, अब हम चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। ये हमारी लौकी और चने की दाल की सब्ज़ी की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई है, जितनी अच्छी देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये खाने में है। बहुत टेस्टी है, यमी है, सब्ज़ी और दाल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको भी ये बहुत पसंद आएगी, क्योंकि दाल सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन तो ये है ही, बेनिफिशियल भी है और प्यारे नबी की सुन्नत भी है। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, रेसिपी को फुल फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत मज़े की बनेगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वो चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। रहेंगे इंशाल्लाह नई नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।